हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। होपफुली बच्चों आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बच्चों हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट का, है ना। हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ रहे थे, ओके, अल्टरनेटिंग करंट का, ओके। और हम लोग उसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किए थे, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया है रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, ओके। हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों, बस एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्योर रेजिस्टर सर्किट के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है, एक छोटा सा रिकैप बच्चों। हम लोगों ने प्योर रेजिस्टर सर्किट के बारे में पढ़ाई किया और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे सपोज कर लो एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर लगा है और उसमें एक एसी सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है। उसमें एक एसी सोर्स कनेक्टेड है, सपोज कर लो वी का वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, जो एसी सोर्स का पोटेंशियल है। और यहाँ पर सपोज कर लो करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस सर्किट में पढ़े थे कि जो आई है, जो करंट है और जो वोल्टेज है, वो दोनों सेम फेज में है, तो आई का वैल्यू कितना आता था, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। दोनों सेम फेज में होते थे, तो सेम फेज के लिए हम लोग जो फेजर डायग्राम बनाते थे वो कुछ इस तरीके का होता था कि इधर वी नॉट है और इसी डायरेक्शन में आई नॉट भी है, ओके। अच्छा, और आई नॉट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ऐसे सर्किट में, ना आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर, ओके, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर, ओके। इन दिस केस द करंट एंड पोटेंशियल आर इन द सेम फेज। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे सर्किट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज प्योर इंडक्टर, ओके, प्योर इंडक्टर सर्किट। इसमें देखो क्या होता था, जैसे सपोज कर लो किसी सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ओके, और उसमें हम लोगों ने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, ओके। अगर उसमें हम लोगों ने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसका वैल्यू कितना है, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर सपोज कर लो किसी एक समय में यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ जो करंट और पोटेंशियल है बच्चों, है ना, जो पोटेंशियल सप्लाई हुआ है और जो करंट, ये दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं। इसका इंडक्टेंस सपोज कर लो एल है, तो हम लोगों ने सॉल्व किया था और आई का वैल्यू कितना आया था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना, माइनस पाई बाई टू, ओके। तो इतना निकल कर आता है ना। दैट मीन्स करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, लैग कर रहा है ना, करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। यहाँ पर I नॉट का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ना I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई XL लिख सकते हैं। XL क्या होता है बच्चों, दैट इज हम लोग उसे क्या कहते हैं, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। XL क्या है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XL कैसे निकालते हैं, ना ओमेगा इंटू एल करके निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या होता है बच्चों, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना, जिसे हम लोग 2 पाई एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये सब हम लोग डिस्कशन किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्योर कैपेसिटर के बारे में भी डिस्कशन किया था, है ना, मतलब एक सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ओके, प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब एक सर्किट जिसमें सपोज कर लो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके, और उसे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है एसी सोर्स के साथ, ओके। एसी सोर्स का पोटेंशियल कितना है, सपोज कर लो वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। और इसमें सपोज कर लो किसी एक इंस्टेंट में हम लोगों ने देखा करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ जो करंट है वो भी बच्चों वोल्टेज के साथ सेम फेज में नहीं होता, वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसका फेज ओमेगा टी नहीं होगा, बल्कि कितना होगा ना, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि यहाँ पर जो करंट है वो 90 डिग्री आगे रहेगा। तो यहाँ जो करंट है बच्चों वो 90 डिग्री वोल्टेज से आगे चल रहा है ना। और अगर यहाँ पर हम लोग करंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, आई नॉट का वैल्यू, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा इस कैपेसिटर के थ्रू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज वी नॉट बाई एक्स सी, है ना। और ये एक्स सी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। अच्छा, और एक्स सी का वैल्यू कितना होता है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा सी, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एफ सी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा रिवीजन, रीकैप बोल सकते हो, ओके। तो याद रखोगे बिकॉज आगे चलकर सर्किट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर ये बेसिक चीजें याद नहीं रहेंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, देखो रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज का जो फेज होता है बच्चों वो सेम होता है। वोल्टेज का अगर ओमेगा टी है ठीक है, तो करंट का भी ओमेगा टी रहेगा ठीक है फेज। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है ना, वोल्टेज का फेज जितना है करंट उससे पीछे रहेगा 90 डिग्री, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ठीक है। और कैपेसिटिव सर्किट में ठीक है क्या होता है ना, वोल्टेज का फेज जितना है ओके, करंट का फेज उससे 90 डिग्री आगे रहेगा, इसीलिए प्लस पाई बाई टू है ना। इन चीजों को याद रखना है। आगे चलकर क्या होगा, हम लोग जो सर्किट देखेंगे उसमें तीनों चीज रहेगा, दो चीज तीन चीज कुछ भी रह सकता है ना, तो इसी के लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है ओके। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला आज का डिस्कशन, दैट इज सीरीज इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस सर्किट। इंडक्टर एंड रेजिस्टर सर्किट ओके। जैसे सपोज कर लो एक रेजिस्टर यहाँ पर बच्चों लगा है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और एक इंडक्टेंस इंडक्टर लगा है जिसका इंडक्टेंस एल है ठीक है, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स के साथ ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के सोर्स के साथ हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया है ठीक है। अब यहाँ पर वी का वैल्यू कितना है, वी नॉट साइन कुछ एक वैल्यू होगा बच्चों जो हम लोगों को निकालना है ठीक है। हम लोगों को कंसिडर क्या क्या करना है, देखो देखो ये जो वोल्टेज है ना ये वेरिएबल है ठीक है। हम लोग यहाँ पर मान लेंगे सपोज कर लो करंट कितना है ना, हम लोग करंट को मानकर चलेंगे। इससे पहले जो भी डायग्राम्स वगैरह हम लोग बना मतलब जो भी पढ़ाई किए थे उसमें वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी हुआ करता था ठीक है, बट अभी हम लोग क्या करेंगे करंट को मान लेते हैं। करंट का इक्वेशन कितना है ना, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है। अब वी वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी नहीं होगा बिकॉज दोनों चीज लगा है बच्चों, रजिस्टर भी लगा है और इंडक्टर। सिर्फ रजिस्टर होता तो यहाँ पर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता, लेकिन इंडक्टर भी तो लगा है, अकेला रजिस्टर तो नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, ये क्या आएगा ये हम लोग बाद में निकालेंगे। इसका जो फेज है ना, इसका जो फेज है ये अभी हम लोगों को पता नहीं है। अच्छा रजिस्टर यहाँ पर सपोज कर लो वोल्टेज कितना है वी आर ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना है वी एल ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर जो वी आर का वैल्यू है ना, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट हम लोग लगाए हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो वी आर का वैल्यू है वो बढ़ता रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का उसे सपोज हम लोग कहते हैं वी नॉट आर, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वोल्टेज का इंडक्टर के अक्रॉस उसे सपोज हम लोग बोलेंगे वी नॉट एल ठीक है। तो वी आर उसका जनरल इक्वेशन हो गया है ना, वी एल इसका जनरल इक्वेशन हो गया, एंड मैक्सिमम वैल्यू को वी नॉट आर एंड वी नॉट एल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। अच्छा अब किसी एक समय में सपोज कर लो हमने देखा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और करंट का वैल्यू हमने मान लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी है ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर उस समय में उस वक्त उस टाइम पे वोल्टेज कितना होगा ये उसका इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज वी आर टी लिखेंगे ठीक है। दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एट ए गिवन टाइम, टी फॉर टाइम, वो कितना हो जाएगा ना, इट विल बी वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, क्योंकि ये रेजिस्टर है ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके साथ फेज में होगा है ना, वो इसके साथ फेज में होगा। तो वी आर टी का इक्वेशन आ गया बच्चों, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, सेम फेज, इसका भी ओमेगा टी, करंट का भी ओमेगा टी, बिकॉज रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा बच्चों वो करंट के साथ फेज में होगा है ना। अच्छा उसी तरीके से वी एल टी है ना, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एट ए गिवन टाइम ओके। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज वी नॉट, अच्छा यहाँ पर हम लोग वी नॉट आर लिखेंगे बच्चों, वी नॉट आर दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर है ना। अच्छा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा इंडक्टर का, दैट इज वी नॉट एल साइन। अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग पढ़े थे इंडक्टर के केस में, याद रखोगे इंडक्टर के केस में क्या होता था बच्चों, इंडक्टर के केस में करंट पीछे रहता था है ना, आई लैग्स वोल्टेज, या फिर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं वोल्टेज लीड्स आई है ना, करंट वोल्टेज के पीछे है बाई 90 डिग्री है ना, या फिर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं वोल्टेज करंट के आगे है बाई 90 डिग्री ठीक है ना। तो जब हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे ना तो हम लिखेंगे ओमेगा टी, क्योंकि करंट का फेज कितना दिया हम लोगों ने माना है ओमेगा टी, तो वोल्टेज उससे आगे होगा, करंट पीछे रहता है तो वोल्टेज उससे आगे होगा बाई पाई बाई टू, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ठीक है। दिस विल बी द फेज ऑफ होम, दिस विल बी द फेज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है ना, दिस विल बी द फेज ऑफ
द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ओके अच्छा, अब उसके बाद थोड़ा फेजर डायग्राम हम लोग बना लेते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, ये जो आई नॉट है, आई नॉट का वैल्यू हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ रजिस्टर को कंसिडर करेंगे तो आई नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज वी नॉट आर बाई आर, है ना। और अगर हम लोग इंडक्टर को कंसिडर करेंगे तो आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ना दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट एल डिवाइडेड बाई एक्स एल, है ना। ये इक्वेशन आई नॉट का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, यहाँ पर भी आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। तो ये जो मैक्सिमम करंट है इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ना मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ये सिंपल इक्वेशन है ना। इंडक्टर होगा तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई एक्स एल, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस में वी बाई आर होता है, इंडक्टिव सर्किट होगा तो वी बाई एक्स एल होता है। तो यहाँ पर हमें आई नॉट निकालना है तो हम वी नॉट लेंगे किसके अक्रॉस, एल के अक्रॉस। यहाँ पर हमें आई नॉट निकालना है तो हम वी नॉट लेंगे किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, इसी के लिए वी नॉट आर बाई और यहाँ पर वी नॉट एल बाई एक्सएल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिखे बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, सपोज कर लो हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, है ना। सपोज कर लो हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। ओके, सपोज हमने माना कि करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये है। ओके अच्छा, अब जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, देखो वी नॉट आर भी तो उसी डायरेक्शन में, बिकॉज आई जिस आई का फेज कितना है ओमेगा टी, और यहाँ पर वी आर का फेज कितना है ओमेगा टी, ठीक है। तो ये दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ पर वी नॉट आर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, और वी एल के बारे में क्या ख्याल है बच्चों, वी एल का देखो फॉर्मूला क्या है, वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। तो ये जो हमारा हम लोग माने हैं करंट का डायरेक्शन, उससे पाई बाई टू आगे, आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमें टर्न करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमें टर्न करना पड़ेगा बच्चों, और हमें मिल जाएगा वी एल का ग्राफ या वेक्टर। तो ये हो जाएगा वी नॉट एल, है ना। वी नॉट एल हम लोग इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज का फेजर, है ना, वोल्टेज का फेजर डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, एक वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा V नॉट, है ना, ये वाला V नॉट जो हम लोग सप्लाई किए, ठीक है। V नॉट L क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। V नॉट R क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। और V नॉट क्या है बच्चों, मैक्सिमम वोल्टेज इन द होल सर्किट। अच्छा, यही मैक्सिमम वोल्टेज तो इन दोनों में डिवाइड होता होगा, है ना। यही मैक्सिमम वोल्टेज जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, वहीं से तो रेजिस्टेंस को भी मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा और वहीं से इंडक्टर को भी मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द इंडक्टर प्लस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा वी नॉट, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग वी नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कौन सा वी नॉट है, दिस इज द वी नॉट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड, है ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड। ओके अच्छा, और ये कुछ एक एंगल बना रहा है, देखो इस एंगल को, यहां से यहां का जो एंगल है उसे सपोज हम लोग कहते हैं फाई, है ना। ये हम लोगों को निकालना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका ये हो गया वोल्टेज फेजर, है ना, ये हो गया उसका वोल्टेज फेजर, ठीक है। वोल्टेज का फेजर डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब इम्पिडेंस का फेजर बनाते हैं, ठीक है। इम्पिडेंस का फेजर बनाएंगे, देखो वी नॉट एल जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, सपोज कर लो हम लोग बोले इस डायरेक्शन में हमारा V नॉट R है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारा क्या है V नॉट R, और इस डायरेक्शन में क्या है बच्चों V नॉट L, ठीक है। V नॉट L कैसे निकलता है, I इंटू XL, तो XL का डायरेक्शन इधर है, और V नॉट R कैसे निकलता है, I नॉट इंटू R, तो R का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब ये XL और R दोनों को अगर वेक्टोरिकली ऐड करोगे तो हम लोगों को मिलेगा इम्पिडेंस, जिसे हम लोग कहेंगे Z, जिसे हम लोग क्या कहेंगे Z, और ये भी उतना ही एंगल बना रहा होगा बच्चों, दैट इज फाई, है ना, दैट इज फाई। अब ये फाई एंगल निकाल सकते हो इस एक्सएल वेक्टर को, ये जो एक्सएल वेक्टर है इसे पार्लली शिफ्ट करके यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। पार्लल शिफ्टिंग तो वेक्टर्स में अलाउड होता है, ये एक्सएल हो गया, तो टैन फाई का वैल्यू कितना निकलेगा, टैन फाई विल बी इक्वल टू एक्सएल बाई आर, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पर टैन फाई निकल गया बच्चों हमारा कितना, एक्सएल बाई आर। ओके अच्छा, अब यहाँ पर देखो वी नॉट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना। ये जो V नॉट है, ये जो V नॉट है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये एक वेक्टर बच्चों, ठीक है, V नॉट L, ये एक वेक्टर है बच्चों V नॉट R, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम लोग सम कैसे करते थे, ना V नॉट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू
वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, है ना। नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते बच्चों, फेजर में हम लोगों का साइन कंपोनेंट भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है ना। फिर यहाँ पर जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ले रहे हैं ना, भी इज इक्वल्स टू भी नॉट साइन ओमेगा समथिंग आता है ना, तो एक वैल्यू भी है और साथ में साइन का फंक्शन भी है, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वेक्टोरिकली हम लोगों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, दैट इज रूट ओवर ऑफ वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का होल स्क्वायर। तो वी नॉट विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ देखो वी नॉट आर का वैल्यू, सॉरी आई नॉट का वैल्यू कितना है, वी नॉट आर बाई आर, तो यहाँ पर से वी नॉट आर कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर, तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज इट इज इक्वल्स टू आई नॉट आर का होल स्क्वायर, यानी कि आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल की जगह लिख देंगे आई नॉट स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, ओके एक्सएल का स्क्वायर, आई नॉट कैन हमारा कॉमन हो गया बच्चों, है ना। तो इसे हम लिख देंगे इस तरीके से दैट इज वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर को बाहर लेकर आएंगे तो स्क्वायर से वो आई नॉट हो जाएगा, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर है, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस, है ना। हर सर्किट का इम्पीडेंस अलग होता है बच्चों, हर सर्किट का इम्पीडेंस अलग होता है। एल आर यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टर वाले सर्किट का इम्पीडेंस होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, इसे हम लोग लिखते हैं जेड से। तो वी नॉट का इक्वेशन क्या आएगा ना, इट विल बी आई नॉट जेड, और जहां पर जेड का वैल्यू कितना है ना, रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो ये हो गया बच्चों हमारा सीरीज एल आर सर्किट, है ना, सीरीज एल आर सर्किट, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करेंगे, इस चीज को नोट कर लो, आगे डिस्कशन करेंगे जहाँ कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा होगा, है ना, जहाँ कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा होगा, ओके। तो दूसरा हमारा जो सर्किट है दैट इज सीरीज कैपेसिटर एंड रेजिस्टर सर्किट, ओके, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर सर्किट, ओके। अब यहां देखो, जैसे सपोज कर लो यहां पर एक रेजिस्टर है और सपोज यहां पर एक कैपेसिटर है, ओके, दिस इज रेजिस्टर आर, कैपेसिटर का सी, और सपोज कर लो हम लोग इसे कनेक्ट कर दिए इसके साथ ना एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ, ओके, एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ, ओके। और सपोज कर लो यहाँ पर जो वोल्टेज हम लोगों को दिया गया, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पर जो हम लोगों को वोल्टेज दिया गया है उसका कुछ एक वैल्यू होगा V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन समथिंग होगा, ठीक है, जो हम लोगों को पता नहीं है या फिर जिसे हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग करंट को अज्यूम कर लेंगे I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा अजम्पशन है, इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आई इधर से आ रहा है, ठीक है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसी तरीके से फिर बच्चों यहाँ पर वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो भी आर है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सी है ना, वी सी। रजिस्टर में वोल्टेज चेंज होता रहेगा बिकॉज हम लोग जो वोल्टेज लगाए हैं वो चेंज होता रहता है, तो ऑब्वियसली रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता रहेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, उस मैक्सिमम वैल्यू को वी नॉट आर बोलेंगे। कैपेसिटर में भी उसी तरीके से वोल्टेज चेंज होता रहेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा जिसे हम लोग वी नॉट सी बोलेंगे, ठीक है, सी फॉर कैपेसिटर एंड नॉट जनरली रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वैल्यू, ओके। अच्छा अब यहाँ पर रेजिस्टर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, है ना, रेजिस्टर में हम लोग जानते हैं अगर हम लोगों को वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एट ए गिवन टाइम निकालने बोला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, बिकॉज रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसका फेज और करंट का फेज सेम होता है ना, उसका फेज और करंट का फेज सेम होता है। लेकिन अगर हम लोगों से कोई पूछेगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट ए गिवन टाइम, तो वो कितना होगा ना, वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी नॉट सी साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कैपेसिटर में बच्चों करंट लीड करता है, दैट मीन्स वोल्टेज लैग करेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा 90 डिग्री, तो इसी के लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओके, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू।
अब इसका अगर हम लोग फेजर बनाते हैं, ठीक है, मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, वो तो सेम फेज में है ओमेगा टी, तो वी नॉट आर इधर होगा, है ना, वी नॉट आर इस तरफ होगा। अच्छा, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो 90 डिग्री पीछे होगा। पीछे मतलब बच्चों हम लोगों को किधर टर्न करना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, नीचे की तरफ। ओके, तो हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, दैट मीन्स वी नॉट सी इस तरफ रहेगा, वी नॉट सी नीचे की तरफ रहेगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टोरिकली हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर्स के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, मतलब देखो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है इस तरफ, एक वेक्टर है इस तरफ, तो रिजल्टेंट होगा इस तरफ, है ना। इधर है हमारा वी नॉट आर, ठीक है, इधर है हमारा वी सी, सॉरी वी नॉट सी, ठीक है, और ये हो गया रिजल्टेंट, दैट इज वी नॉट, है ना। ये कौन सा वी नॉट, ये जो सप्लाइड वी नॉट है ना, कितना वोल्टेज सप्लाई किया गया उसका मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इन दोनों का हम लोग वेक्टर सम करके निकाल सकते हैं। तो वी नॉट का वैल्यू कितना आएगा देखो ना, वी नॉट अगर हमें निकालना है तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो दैट इज वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का होल स्क्वायर, ओके, प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, इट विल बी रूट ओवर ऑफ, इट विल बी रूट ओवर ऑफ वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट आर बाई आर, ये एक इक्वेशन बनता है। आई नॉट हम लोग एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, दैट इज वी नॉट सी बाई एक्स सी, दैट इज एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से हम लोगों को वी नॉट आर का और वी नॉट सी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, पुट कर देंगे तो वी नॉट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है देखो ना, दैट इज आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब इसमें से फिर उसी तरीके से पुराना मेथड जो था हमारा, आई नॉट कॉमन आएगा और बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा क्या ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का रूट ओवर है, यहाँ पर हम लोग इसे इम्पिडेंस कहेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे क्या कहेंगे, इम्पिडेंस, और रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। पिछले केस में बच्चों डिफरेंट था, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर का रूट ओवर वो होता था जेड, ठीक है, वो कौन, ये कौन से सर्किट में ना, जहां पर इंडक्टर और रजिस्टर लगा हो, लेकिन यहाँ पर जहां पर कैपेसिटर और रजिस्टर लगा हो तो जेड का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली इसे लिख सकते हैं, दैट इज वी नॉट इज इक्वल्स टू आई, सॉरी आई नॉट है, आई नॉट इंटू जेड, ठीक है, आई नॉट इंटू जेड, और आई नॉट इज इक्वल्स टू दैट इज वी नॉट बाई जेड, वी नॉट बाई जेड, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, वो कुछ इस तरीके का है वी नॉट, ठीक है, वो कुछ एक एंगल बना रहा है देखो, है ना, लेट दिस एंगल बी फाई, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर हम लोग इम्पिडेंस सर्किट बनाएंगे, ठीक है, इसी का अगर हम लोग इम्पिडेंस सर्किट बनाएंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा देखो, जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर इम्पिडेंस का अगर फेजर बनाएंगे तो इधर आएगा हमारा आर, ठीक है, इस तरफ आएगा हमारा एक्स सी, सॉरी ये एक्स सी होगा बच्चों, इधर आएगा हमारा एक्स सी, और वेक्टोरिकली अगर हम लोग देखेंगे तो जेड इधर आएगा, दिस विल बी जेड, ये एंगल है फाइ, ठीक है। इस एक्स सी को अगर हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इस एक्स सी को अगर हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं तो टेन फाइ का वैल्यू कितना निकल जाएगा ना, परपेंडिकुलर दैट इज एक्स सी डिवाइडेड बाई बेस दैट इज आर, है ना। तो यहाँ पर टेन फाइ कितना निकलेगा ना, एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, ओके, समझ में आया। अभी भी तुम देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है ना, नेट वोल्टेज, ठीक है, नेट वोल्टेज करंट से नीचे है, ठीक है, करंट से नीचे है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव, करंट से कितना नीचे है ना, फाइव एंगल नीचे है, इसी के लिए ओमेगा टी माइनस फाइव इसका फेज है, ठीक है। तो अगर हम लोगों से बच्चों पूछा जाता है कि इसमें जो वोल्टेज सप्लाई है उसका फेज बताओ तो कितना होगा, ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव का वैल्यू निकाल सकते हो, टेन फाइव इज इक्वल्स टू एक्स सी बाई आर, ओके, टेन फाइव इज इक्वल्स टू एक्स सी बाई आर, इतना नोट डाउन कर लो बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, ये हो, इसे नोट डाउन कर लिए, अब इसके बाद देखो सीरीज एल सी आर सर्किट, है ना,
तीसरा तरह का आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सीरीज LCR सर्किट, यानी कि एक ही सर्किट में इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा। तो फिर किस तरीके से हमारे इक्वेशंस बनेंगे उस सर्किट के, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है। ओके, मतलब एक ही सर्किट में बच्चों इंडक्टर भी होगा, ठीक है, कैपेसिटर भी लगा होगा, ओके, और रेजिस्टर भी होगा, ठीक है, सब सीरीज में कनेक्टेड होंगे। सीरीज कनेक्शन मतलब सब में करंट सेम फ्लो करेगा बच्चों, है ना। अच्छा, और सपोज कर लो इन सब को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है, एक ईएमएफ के सोर्स के साथ। ओके, अच्छा, एंड यहाँ पर वोल्टेज कितना है ना, दैट इज वी नॉट साइन, कुछ एक वैल्यू होगा बच्चों जो हम लोग निकालेंगे। हम लोग वोल्टेज अज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग करंट को अज्यूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो करंट हम मान लेते हैं कितना फ्लो कर रहा है, किसी एक समय में हमने देखा और करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, और ये हो गया रजिस्टर, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम लोग वी एल बोलेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे वी सी बोलेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी आर बोलेंगे, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसे वी नॉट आर बोलेंगे, इसके अक्रॉस एक मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होगा उसे वी नॉट सी बोलेंगे, और इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा बच्चों उसे वी नॉट एल बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स तो आप लोग पहले से ही जानते हो, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले रजिस्टर का देखो, ठीक है, रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो करंट के साथ फेज में रहता है ना, बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टिव मतलब जो वोल्टेज है उसका फेज और करंट का फेज सेम होता है। तो अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए मींस व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट ए गिवन टाइम, तो उसका इक्वेशन हम बोलेंगे वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, है ना, सेम फेज, फेज चेंज नहीं होगा, करंट का जो फेज है यहाँ पर वोल्टेज का, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेज भी उतना ही रहेगा, ठीक है। बट अगर हमसे कोई पूछता है जैसे सपोज कर लो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी सी, है ना, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट ए गिवन टाइम, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज वी नॉट सी, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस पाई बाई टू। अभी इससे पहले वाले वीडियो मतलब टॉपिक्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो वी एल टी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एट ए गिवन टाइम कितना होगा, इट विल बी वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना, प्लस पाई बाई टू। ओके, तो ये हम लोगों का वोल्टेज का डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखो V नॉट R को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, V नॉट R क्या है ना, V नॉट, जस्ट सेकंड, थोड़ा बड़ा लिखा गया, तो V नॉट R क्या है बच्चों, दैट इज नथिंग बट I नॉट इनटू R, ओके, एंड V नॉट C क्या होता है ना, दैट इज नथिंग बट I नॉट इनटू X C, एंड V नॉट L क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू एट अक्रॉस द इंडक्टर इज मैक्सिमम करंट इनटू XL, that is inductive reactance, okay? फिर आप लोगों को याद होगा XL और XC क्या होता है, है ना? That is XL is equals to omega into L, XC is equals to 1 by omega C, resistance constant रहता है बच्चों, ठीक है? एक important चीज ये भी याद रखोगे कि inductance का value, XL का value omega पे depend करता है ना, angular velocity पे, लेकिन resistance इन सब चीजों पे depend नहीं करता, है ना? उसी तरीके से कैपेसिटेंस का वैल्यू एक्स सी, इंडक्टिव कैपेसिटेंस का वैल्यू, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू ओमेगा पे डिपेंड करता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पे, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, है ना, तो फ्रीक्वेंसी पे भी वो डिपेंड करेगा, है ना, कि जो हमारा करंट है वो कितने बार चेंज कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है इस पे डिपेंड करेगा, कौन ना, इस पे डिपेंड करेगा हमारा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस इन सब चीजों पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों, अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, एक बार वोल्टेज का बनाते हैं, ठीक है, सपोज कर लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिस डायरेक्शन में करंट वी नॉट आर उधर ही रहता है ना, अच्छा, और हमारा V नॉट L उससे 90 डिग्री आगे रहता है, लीड करता है, तो V नॉट L, है ना, V नॉट L के इक्वेशन में देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गुम हो गए इधर से, इस डायरेक्शन में होगा हमारा V नॉट L, ठीक है, V नॉट L, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बच्चों वो होगा इस तरफ, है ना,
दैट इज वी नॉट सी, है ना। अच्छा, यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करना है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि वी नॉट एल और वी नॉट सी के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है, तो 180 डिग्री का फेज का डिफरेंस है ना। दे आर आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री, दे आर आउट ऑफ फेज बाई 180 डिग्री, है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज का फेजर डायग्राम बन गया। अब थोड़ा इंपीडेंस का फेजर डायग्राम देख लेते हैं, है ना। जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इधर है सपोज कर लो, ये करंट का डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस। और हमारा जो एक्स एल होता है वो 90 डिग्री लीड करता है, तो सपोज कर लो एक्स एल इधर है, और इस डायरेक्शन में बच्चों हमारा एक्स सी, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा एक्स सी, ठीक है। अच्छा, आगे चलकर हम लोगों को पढ़ना है, एक सिचुएशन आएगा जहां एक्सेल, देख सकते हो ये एक वेक्टर ऊपर की तरफ, ये एक वेक्टर फेजर नीचे की तरफ, ठीक है। वेक्टरिकली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लो एक्सेल और एक्सी बराबर हो गए, तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, अगर दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट तो है ही, ठीक है, तो फिर वो कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और उस सर्किट, वो जो सर्किट है ना, पूरा का पूरा बिहेव करेगा रेजिस्टिव सर्किट की तरह, बिकॉज एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे जब उन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, ऑपोजिट तो वो है ही, ठीक है। उस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों को आगे में पढ़ना है बच्चों, है ना, उसके बारे में हम लोगों को आगे में पढ़ना है, ठीक है। अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखो वी नॉट आर इधर है, ठीक है, वी नॉट आर इधर है, वी नॉट एल इधर है, ठीक है, एंड वी नॉट सी इस डायरेक्शन में, है ना। दिस इज द डायरेक्शन इन विच वी नॉट सी। एक कभी ऐसा होगा कि वी नॉट एल वी नॉट सी से बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं। और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, दोनों का मतलब सेम है। जब वी नॉट एल वी नॉट सी से बड़ा होगा, तब डेफिनेटली एक्स एल एक्स सी से बड़ा होगा, है ना। अच्छा, तो हम लोग इस कंडीशन को केस वाइज पढ़ेंगे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल, है ना, v not c is greater than v not l, तो वो भी हो सकता है। उस कंडीशन में xc will be greater than xl, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस को हम लोगों को स्टडी करना है बच्चों। और एक थर्ड जो स्पेशल केस होगा, जहां पर v not l will be equal to v not c, जहां पर xl will be equal to xc, ये इक्वेशन भी हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, है ना, ये इक्वेशन भी हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस जहां v not l greater than v not c है, ये वाला केस, ठीक है। तो इतना जो लिखा गया है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लो, है ना। हम लोग केसेस स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट केस, दैट इज वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, और आई कैन से एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। ओके, ये कंडीशन पहला वाला, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो क्या होगा, देखो वी नॉट आर इस तरफ, ठीक है, पूरा वेक्टर के हिसाब से ही समझो, वी नॉट आर इस तरफ, ठीक है, वी नॉट एल इस तरफ, वी नॉट सी इस तरफ, और यहाँ पर वेक्टर में भी हम लोग उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वी नॉट एल का देखो जो हमने एरो बनाया है वो बड़ा है, ठीक है, और वी नॉट सी का जो एरो बनाया है वो छोटा है, दैट मीन्स वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, ठीक है। दो वेक्टर्स बच्चों, एक इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में है ना, वी नॉट एल इस डायरेक्शन में है एंड वी नॉट सी इस डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, दैट इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ठीक है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। या फिर अगर तुम इम्पिडेंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहो, तो आर इस डायरेक्शन में है ना, एक्स एल इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड एक्स सी जो छोटा है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। तो इनका जो रिजल्टेंट डायग्राम आएगा बच्चों, वो ऐसा कुछ होगा, है ना, इनका जो रिजल्टेंट डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। इधर R, इधर क्या होगा, XL क्योंकि बड़ा है, XC छोटा है, तो ये रिजल्टेंट बना, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है ना, XL माइनस XC। उसी तरीके से इसका अगर रिजल्टेंट फेजर में बोलोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा V नॉट L माइनस V नॉट C, और इधर होगा हमारा V नॉट R, इधर होगा V नॉट R, ये कितना है ना, V नॉट L माइनस वी नॉट सी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी एक वेक्टर हो गया, है ना, एंड वी नॉट आर एक वेक्टर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से सपोज आएगा, और वो होगा वी नॉट। यहाँ पर उसी तरीके से एक्स एल माइनस एक्स सी इधर है, आर इधर है, ठीक है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा हमारा जेड, दैट इज इम्पिडेंस, दैट इज इम्पिडेंस। ओके, तो हम लोग
और वो कुछ एक एंगल बनाएंगे, ठीक है, लेट दिस एंगल बी फाई, यहाँ पर भी वो एंगल फाई होगा, ठीक है, यहाँ पर भी वो एंगल फाई होगा, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, है ना। वेक्टर्स देख रहे हो, एक वेक्टर हो गया वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ये एक वेक्टर है, और वी नॉट आर ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें वी नॉट मिलेगा, है ना। तो वी नॉट का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, दैट इज वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट, अच्छा वी नॉट की जगह हम लोग लिख देते हैं, जस्ट ए सेकेंड, वी नॉट की जगह हम अगर लिख देंगे बच्चों आई नॉट, आई स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, ना पैरेंथेसिस काफी सारे हो गए, ठीक है। हाँ, तो आई नॉट वी नॉट आर का स्क्वायर की जगह लिख दिया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी नॉट एल कितना हो जाएगा, दैट इज आई नॉट एक्स एल माइनस ये हो जाएगा आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज वी नॉट का होल स्क्वायर, मतलब वी नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो आई नॉट, आई नॉट कॉमन है, ठीक है, और उसका फिर होल स्क्वायर भी है। ओके, तो हम लोग उसे लिख देते हैं अलग से निकाल कर, आई नॉट का स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो इस टर्म में और इस पूरे टर्म में आई नॉट कॉमन है ना, दोनों टर्म में आई नॉट कॉमन है, तो उसे कॉमन ले लेते हैं, दैट इम्प्लाइज वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर, ओके, होल इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज वी नॉट रूट ओवर कर देते हैं ना, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू आई इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, वी नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अभी देखो एलसीआर सर्किट में ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, इसे हम लोग कहेंगे जेड, इसे हम लोग क्या कहेंगे जेड। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड, वेर जेड इज इक्वल्स टू हाउ मच ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, होल स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ देखो इस फेजर में वही तो आ रहा है, जेड क्या है, जेड इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एंड एक्सएल माइनस एक्सी, तो जेड कैसे निकाल सकते हैं ना, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर्स के हिसाब से ही सारा का सारा चीज चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों डिराइवेशन ऑफ वी नॉट, ओके, डिराइवेशन ऑफ वी नॉट, ओके। अच्छा, अगर यहाँ पर तुम्हें ये एंगल फाई निकालना है तो एंगल फाई कैसे निकालोगे, दैट इज टेन फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसे कॉपी कर देते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी को यहाँ लिख देते, वेक्टर है शिफ्ट कर सकते हैं, दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, और ये हो गया हमारा आर, ओके। तो टेन फाइव विल बी इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, है ना, टेन फाइव विल बी इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज और देखो कि जो हमारा वोल्टेज है ना, करंट का डायरेक्शन इधर था, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, करंट जिस डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, और हमारा जो फाइनल वी नॉट आया है वो फाइ एंगल ऊपर है, है ना, दैट मीन्स हमारा जो वी नॉट, वी का इक्वेशन बनेगा, वी विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ओके, वेयर फाइ इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, टैन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ओके। So this is in the first case of LCR circuit where V naught L is greater than V naught C, and V naught L is greater than V naught C. Okay. Similarly, बच्चों तुम लोग अब खुद से भी कर सकते हो. Similarly, हम लोग कर सकते हैं second case. Okay. That is case number two. Case number two. That is when V naught C
इज ग्रेटर देन वी नॉट एल, और आई कैन से एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल. ओके, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल. ओके, तब क्या होगा बच्चों, है ना? तो सपोज कर लो हम लोग फिर से फेजर डायग्राम के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे. सपोज कर लो इस डायरेक्शन में आई है, ठीक है, तो वी नॉट आर इसी डायरेक्शन में होगा, है ना? अच्छा, और हमारा वी नॉट एल 90 डिग्री लीड करता है, तो 90 डिग्री लीड करता है. सपोज इधर है वी नॉट एल, और इस बार वी नॉट सी जो है वो बड़ा है, तो उसे थोड़ा बड़े करके मतलब बड़ा करके दिखाएंगे. दिस इज सपोज कर लो वी नॉट सी. ओके, क्योंकि वी नॉट एल एंड वी नॉट सी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वी नॉट एल एंड वी नॉट सी ये बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा ना, बिगर माइनस स्मॉलर. बड़ा कौन है, वी नॉट सी बड़ा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट होगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल. ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट डायग्राम आएगा बच्चों, फेजर डायग्राम, वो इस तरीके से होगा. इधर होगा हमारा वी नॉट आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, और दूसरा जो होगा हमारा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल. ओके, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी द व्हाट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वी नॉट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वी नॉट. अब इस फेजर से तुम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना? वेक्टोरिकली फेजर को सॉल्व किया जा सकता है. तो इस फेजर के हिसाब से अगर हम लिखेंगे बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं ना, वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर. ओके, इसका होल स्क्वायर. इसे सिमिलरली सॉल्व करोगे, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट आर के स्क्वायर की जगह पे लिख दोगे आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या लिखना है हम लोगों को, वी नॉट सी की जगह क्या लिखेंगे, वी नॉट सी की जगह हम लोग लिख देंगे आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसे उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो वी नॉट का वैल्यू कितना आएगा, ना वी नॉट आ जाएगा बच्चों दैट इज आई नॉट इन टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग इसे बोलेंगे लेट दिस बी द इम्पिडेंस, है ना? अब यहाँ पर इम्पिडेंस ये हो गया, है ना, तो लेट दिस इज द इम्पिडेंस जेड. ओके, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट इन टू जेड वेर जेड इज इक्वल्स टू दिस मच, है ना? अच्छा, तो इस अभी जो हमारा वोल्टेज है, देखो करंट का डायरेक्शन हमने ये माना था, फाइनल जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ना, वो किधर है, वी नॉट का वैल्यू नीचे की तरफ है, तो हमारा जो नेट वोल्टेज है बच्चों वो नीचे की तरफ है, यानी कि लैग कर रहा है. सपोज ये एंगल फाई है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट इज वी नॉट, सॉरी वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, है ना, माइनस फाई क्योंकि नीचे है, ठीक है. और फाई का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज टेन फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर, है ना, एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर. तो ये हो गए बच्चों वो दो केसेस जहां पर हम लोग एलसीआर सर्किट को हम लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो पहले. उसके बाद बच्चों जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कशन करेंगे दैट इज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज रेजोनेंस इन एल सी आर सर्किट. ओके, ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, हम लोग अभी दो केसेस डिस्कशन किए बच्चों. हम एक डायग्राम बना देते हैं, सपोज कर लो एक इंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, फिर उसके बाद एक कैपेसिटर लगा है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टर लगा है, ये हमारा एलसीआर सर्किट हो गया, ठीक है, और इसे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ. ओके, और इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. अच्छा, और इसमें सपोज कर लो एक करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सपोज हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. अच्छा, अब है ना, हम लोग दो केसेस ऑलरेडी पढ़े, हम लोग एक केस पढ़े दैट इज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्ससी. अभी जो हम लोग रेजोनेंस वाला केस डिस्कशन करने वाले हैं वहां पर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, है ना, तो ये कब होगा, ठीक है, और ये जब होगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस, है ना, उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस. रेजोनेंस के वक्त ओमेगा का वैल्यू कितना होगा,
रेजोनेंस के वक्त फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा, है ना, ये सब हम लोगों को सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस होगा कब वो समझ गए, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, है ना। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा बच्चों, तो वी नॉट एल एंड वी नॉट सी ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ देखो, इनका अगर हम लोग फेजर बनाते हैं, ठीक है, इनका अगर हम लोग फेजर बनाते हैं, तो ये सपोज कर लो डायरेक्शन हो गया करंट का, तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज, तो वी नॉट आर, और वी नॉट एल बच्चों ऊपर की तरफ होता है, लीड करता है, तो ये हो गया सपोज कर लो वी नॉट एल, और उसके अपोजिट में ये हो गया सपोज कर लो वी नॉट सी, है ना। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पूरे सर्किट में सिर्फ एक वोल्टेज बचेगा, दैट इज वी नॉट आर, है ना, हमारे पूरे सर्किट में बस एक वोल्टेज बचेगा, दैट इज वी नॉट आर, दैट मीन्स वी नॉट आर विल बी इक्वल टू वी नॉट, है ना, क्योंकि कोई दूसरा वोल्टेज तो है ही नहीं। तो वी नॉट क्या है बच्चों, दिस इज द टोटल मैक्सिमम वोल्टेज, क्योंकि बाकी दोनों वोल्टेजेस कैंसिल हो जा रहे हैं और सिर्फ बच रहा है हमारा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, दैट मीन्स हमारा जो सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज है वो कुछ और नहीं बल्कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसके बराबर है, उसके बराबर है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो फेजर बनेगा, है ना, इसे सॉल्व करने के बाद, है ना, इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो हमारा फेजर बनेगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके का होगा कि वी नॉट आर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और वी नॉट बी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, मतलब उस वक्त हम बी का इक्वेशन लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अभी करंट और इस सप्लाइड वोल्टेज का फेज सेम हो जाएगा, करंट और सप्लाइड वोल्टेज का फेज सेम हो जाएगा। ओके, इससे पहले कभी भी सेम नहीं हो रहा था बच्चों, रेजोनेंस में ही ये सेम होता है ना। ओके, सप्लाइड वोल्टेज का, रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज का तो हमेशा सेम रहता है ना, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, है ना, हमेशा सेम रहता है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, इंडक्टर, ठीक है, तो ये सब डिफरेंट होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर हमेशा सेम रहता है, किसके साथ ना, करंट के फेज के साथ उसका फेज सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रेजोनेंस वाले कंडीशन में सप्लाइड वोल्टेज का फेज भी सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाकी दोनों वोल्टेजेस कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर हम लोग बच्चों इसी का इम्पीडेंस डायग्राम बनाए, तो आर होगा इस तरफ, दैट इज रेजिस्टेंस, एक्स एल होगा इस तरफ, है ना, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्स सी होगा इस तरफ, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों भी बराबर होंगे और ऑपोजिट तो है ही, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारा जो सर्किट बचेगा उसमें सिर्फ एक रेजिस्टर होगा, ऐसा वो पूरा सर्किट बिहेव करने लगेगा, है ना, सर्किट में इंडक्टर भी है, सर्किट में कैपेसिटर भी है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन पे हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों, जहां पर वो सर्किट ऐसे बिहेव करने लगा है कि मान लो उसके पास सिर्फ एक रेजिस्टर ही लगा हुआ है, बिकॉज इंडक्टेंस वाला इफेक्ट और कैपेसिटेंस वाला इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है ना। एक ऐसे वोल्टेज पर हम लोग पहुंच चुके हैं, एक ऐसे फ्रिक्वेंसी को हम लोग अचीव कर चुके हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, इनका इफेक्ट ही कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कब होता है ना, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक्सएल होता क्या है बच्चों, दैट इज ओमेगा एल, एक्सी होता क्या है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो रेजोनेंस के वक्त में जो एंगुलर वेलोसिटी है सपोज उसे ओमेगा नॉट कहते हैं, और जो हमारा मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा सपोज उसे एफ नॉट कहते हैं, तो एक्सएल को हम लिख देते हैं सपोज कर लो ओमेगा नॉट एल, और एक्सी को हम कह देते हैं सपोज कर लो 1/ओमेगा नॉट सी। ठीक है, तो यहां से देखो, क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या ना, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी। ठीक है, ओमेगा नॉट को यहां से इधर ले जाते हैं, एल को इधर लाकर डिवाइड कर देते हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, दैट इंप्लाइज ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1/√LC, है ना, 1/√LC, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज द रेजोनेटिंग एंगुलर वेलोसिटी, है ना, दिस इज द ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट वो एंगुलर वेलोसिटी है जिसमें रेजोनेंस हम लोग अचीव कर रहे हैं, जिसमें रेजोनेंस को हम लोग अचीव कर रहे हैं, जिसमें हमारा सर्किट रेजोनेंट कर हो गया है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है उस सर्किट में। ठीक है, अच्छा फिर ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना होता है बच्चों, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी के आकार में लिखे तो 2π f0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा नॉट की जगह पुट कर दो 2π f0। ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट इज 2π f0
ओके, ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट इज 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल सी, ठीक है। फिर एफ नॉट का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल सी। ये एफ नॉट क्या है, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है बच्चों रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस के वक्त में क्या होगा, ना रेजोनेंस के वक्त में हमारा पूरा सर्किट ऐसे बिहेव करने लगेगा, मान लो उसमें ना ही कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ना ही उसमें कोई हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और वो सर्किट मान लो पूरा ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे उसमें सिर्फ एक रजिस्टर ही लगा हुआ है, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है, इनका इफेक्ट कैंसिल, वो प्रेजेंट तो है सर्किट में लेकिन उनका इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, और हमारा पूरा का पूरा एलसीआर सर्किट ऐसे बिहेव कर रहा है कैसे, ना प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस का जो वैल्यू होता था उसे याद करो बच्चों, है ना। एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एलसीआर सर्किट में जेड का फॉर्मूला होता था रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, है ना, ये होता था। अब क्योंकि एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए, तो जैसे 5 और 5, तो 5 माइनस 5 तो 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, है ना, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। दैट इंप्लाइज जेड को हम लोग लिख सकते हैं इट इज रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर, यानी कि दैट इंप्लाइज जेड इज इक्वल्स टू आर, है ना, जेड इज इक्वल्स टू आर, ओके, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, है ना, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस, बिकॉज ये वाला टर्म बच्चों पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है, तो z जो है वो सिर्फ r के बराबर हो जा रहा है ना, z जो है वो r के बराबर हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से अगर फेजर को चेंज करके इस तरीके से भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, r इस तरफ और बच्चों z भी इसी तरफ, है ना, दोनों बराबर भी है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन ही सेम नहीं हुआ है, दोनों का वैल्यू भी सेम हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज ये भी याद रखोगे कि रेजोनेंस के दौरान, है ना, रेजोनेंस के दौरान जेड और आर बराबर, जेड और आर बराबर हो जाते हैं, बिकॉज ये एक्सएल और एक्ससी तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, ठीक है, तो हमारा जेड जो है वो सिर्फ आर ही के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग आई नॉट कैसे निकालते हैं, आई नॉट हम लोग निकालते हैं वी नॉट बाई जेड करके, ठीक है, क्योंकि जेड आर के बराबर है, तो हमारा आई नॉट कितना हो जाएगा, ना वी नॉट बाई आर लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्योंकि यहां पर देखो हमने कहा जेड का वैल्यू जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर हो गया है, और ये जेड का मिनिमम वैल्यू है, इससे कम जेड का वैल्यू नहीं हो सकता, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। तो जब जेड मिनिमम होगा, है ना, ये देखो जेड यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में, अगर जेड छोटा होगा तो आई का वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, आई नॉट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये सारा चीज होता है बच्चों रेजोनेंस के वक्त में, रेजोनेंस के वक्त में हमारा सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, रेजोनेंस के वक्त में बच्चों हमारा जेड का वैल्यू मिनिमम हो जाता है और वो आर के बराबर हो जाता है, रेजोनेंस के वक्त में हमारा जो आई नॉट का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाता है, है ना। सो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग व्हेन वी अचीव द रेजोनेंस कंडीशन, है ना, व्हेन एलसीआर सर्किट अचीव्स द रेजोनेंस कंडीशन, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया रेजोनेंस इन ए एलसीआर सर्किट, ओके। अच्छा, अब कुछ ग्राफ्स जो हम लोगों को ज्यादातर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। यहां देखो ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ओके। देखो बच्चों हम लोग देखें, दैट इज एक्सएल का वैल्यू क्या होता है ना, दैट इज ओमेगा इनटू एल, जिसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई एफ एल, है ना। अच्छा, एक्ससी का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई ओमेगा इनटू सी, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। अच्छा, और फिर हम लोग जानते हैं एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा एट रेजोनेंस, ओके, एट रेजोनेंस एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी, है ना, यानी कि 2 पाई एफ एल इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एफ सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है रेजोनेंस के दौरान, और क्या क्या ग्राफ बनेंगे वो हम लोगों को देखना है, ग्राफ्स पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। पहले बनाएंगे हम लोग किन दो चीजों के बीच में ग्राफ, ना एक ऐसा ग्राफ जहां हम लोग रेजिस्टेंस एक्सएल एक्ससी और फ्रीक्वेंसी तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रेजिस्टेंस एक्सएल एक्ससी एंड फ्रीक्वेंसी, है ना, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ये चारों चीज रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहां देखो
हम लोग जस्ट ए सेकेंड, ओके सपोज कर लो इधर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिया है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है बच्चों, वो क्या ओमेगा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी पे नहीं, है ना। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है, सपोज कर लो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है। ओके, एक्स एल को थोड़ा देखते हैं। एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बिकॉज एक्स एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, है ना। एफ न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब एक्स एल और एफ का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब ग्राफ इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, है ना। ये हो गया एक्सएल का ग्राफ, ये हो गया आर का ग्राफ। एक्ससी और एफ के बीच में रिलेशन देखो, एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एफ सी, मतलब एक्ससी और एफ का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, अब ये वो पॉइंट है जहां पर एक्ससी और एक्सएल दोनों मीट कर रहे हैं, यानी कि दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है, ठीक है। जिस और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है उसे हम लोग एफ नॉट कहते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ नॉट। ओके, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ हम लोग बनाएंगे बच्चों, अगर हम लोगों को आर एक्सएल एक्सी और एफ के बीच में ग्राफ बनाने को कहा जाएगा एट रेजोनेंस, है ना। कब ना, एट रेजोनेंस। ओके, अच्छा। उसके बाद दूसरा ग्राफ, ये पहला ग्राफ हो गया। उसके बाद दूसरा ग्राफ सपोज कर लो हमें बोला गया के जेड वर्सेस एफ के बीच में ग्राफ बनाएंगे, है ना। जेड क्या होता है बच्चों, इम्पिडेंस, ठीक है, और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बताया गया है। ओके, अच्छा, अब थोड़ा जेड का इक्वेशन देखते हैं, है ना। जेड का इक्वेशन देखते हैं, जेड इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, एक्सएल माइनस एक्सी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, बिकॉज होल स्क्वायर है तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सएल की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर होल इंटू, एक्सएल की जगह लिख देंगे 2 पाई एफ एल माइनस 1 बाई 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वेन एफ इज स्मॉल, When f is small, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी कम लेंगे तब क्या होगा, जब f का वैल्यू कम लोगे तो 2 पाई एफ एल छोटा हो जाएगा, है ना, एंड 1 बाई 2 पाई एफ सी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज कर लो तुम f का वैल्यू सपोज कुछ एक पुट किए और 2 पाई एफ एल कितना हो गया, 2 पाई एफ एल हो गया, सपोज कर लो कितना, f का वैल्यू सपोज कर लो तुम पुट किए, मान लो कितना ना 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एल, ठीक है। और उसी जगह पर 1 बाई 2 पाई एफ सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई 2 पाई सी, ठीक है। तो जब हम लोग किसी नंबर को, हम कहना ये चाहते हैं बच्चों, जब हम लोग किसी नंबर को, ठीक है, किसी छोटे नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम लोग किसी छोटे नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, एफ का वैल्यू स्मॉल लिए हो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा रिजल्ट छोटा हो जाएगा, और अगर यहाँ डिवाइड कर दोगे 1 से, एक छोटे वैल्यू को डिवाइड करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़ेगा। तो f का वैल्यू जब स्मॉल होता है तब भी z लार्ज होता है ना, और जब f का वैल्यू हम लोग बढ़ा लेंगे व्हेन f इज लार्ज, ठीक है, तब क्या होगा, f का वैल्यू जब बढ़ा लोगे तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा और ये वाला क्वांटिटी छोटा, तो भी डिफरेंस कितना आएगा, ये एक लार्ज क्वांटिटी माइनस स्मॉल क्वांटिटी, तो डिफरेंस लार्ज आएगा, लार्ज का स्क्वायर करोगे और लार्ज हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में बच्चों z का वैल्यू लार्ज होता है, ठीक है, बड़ा होता है। z एक ही केस में मिनिमम होता है जब वो रेजोनेंस वाला सर्किट हो और z r के बराबर हो जाए। तो Z वर्सेस F का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का बनेगा। Z इज ऑलवेज लार्ज, सिर्फ एक कंडीशन में वो छोटा होता है, दैट इज व्हेन Z इज इक्वल टू R एंड दैट इज व्हेन रेजोनेंस ऑकर्स, है ना। तो Z का ग्राफ इस तरीके से बनेगा बच्चों, ठीक है। Z हमेशा लार्ज रहता है, सिर्फ एक कंडीशन में वो छोटा होता है, दैट इज व्हेन 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 रेजोनेंस इज देयर। ओके, ये ग्राफ पूरा एकदम खतरनाक बन गया। ये देखो ये क्या हो गया, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा, है ना। जेड का वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिनिमम होगा, है ना, और वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी
एफ नॉट पर होगा। ओके इधर हम लोग एफ लिए हैं ना, और ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, उस वक्त हमारा जेड का वैल्यू कम हो रहा है। दिस इज जेड वर्सेस एफ ग्राफ। ओके अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग आई नॉट वर्सेस एफ का ग्राफ करेंगे, ठीक है, आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा बच्चों, है ना, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, इस तरीके से आई नॉट मैक्सिमम तभी होता है जब जेड मिनिमम होता है ना, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आई नॉट मैक्सिमम तभी होगा जब जेड मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा, है ना, और वो भी उसे भी हम लोग एफ नॉट ही कहेंगे, बिकॉज जब फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तभी तो जाकर के रेजोनेंस होता है, और तभी जाकर जेड मिनिमम होता है। तो जब जेड मिनिमम होता है तब आई नॉट मैक्सिमम होता है। तो ग्राफ जस्ट जेड वर्सेज एफ का ग्राफ और आई नॉट वर्सेज एफ का ग्राफ जस्ट ऑपोजिट है ना, वो इस तरीके का है, ये इस तरीके का है। ठीक है अच्छा ओके, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने बुक्स को थोरली पढ़ें। ठीक है, और अगर कुछ डाउट निकल कर आता है तो पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।